अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन चटनी रोल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बोल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसमें मैंने चिकन तंदूरी मसाला डाला है, आप चिकन टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है दही। दही ऑप्शनल है, लेकिन दही डालने से चिकन थोड़ी मसालेदार बनती है। अब इसमें ऐड करना है लेमन जूस। मिक्स एवरीथिंग वेल। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने छोटे छोटे बोनलेस पीसेस कर लिए थे चिकन के, वो इसमें डालेंगे और इसको मैरिनेट कर देंगे एटलीस्ट 2 आवर्स। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसको आप 30 मिनट्स के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं विदाउट मैरिनेशन। पराठे की डो बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा और 1 कप आटा यूज़ किया है। टोटली मैदा यूज़ नहीं किया क्योंकि मैदा इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको पानी के साथ नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेंगे। अब आती है बारी चिकन को कुक करने की। इसके लिए हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के चिकन को पकाना है। ये क्योंकि बोनलेस है, छोटी बोटियाँ हैं, तो बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। आप इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, उससे इसमें बहुत अच्छा बारबेक्यू टेस्ट आएगा। अब बारी आती है रोल के साथ सर्व होने वाली और रोल के अंदर डलने वाली चटनी की। हरा धनिया, हरी मिर्च, कुटी लाल मिर्च, जीरा, नमक और इमली का पेस्ट, ये सब मिलाकर हमने चटनी बना लेनी है और उसको इस दही में शामिल करना है। ये रोल की हमारा चटनी तैयार है। इस ग्रीन चटनी को आप समोसे, पकौड़े या किसी भी आइटम के साथ डिप करके खा सकते हैं, बहुत मज़े की होती है। अफ्तारी में ये रोल बहुत मज़े के लगते हैं। आप इन रोल्स को बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। अब पराठा रोल को हमें सिंपल रोटी की तरह बेल लेना है। अब मैं इसको तवे पे बहुत लाइट ऑयल के साथ पका रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको। रमज़ान में हम ऑलरेडी इतने डीप फ्राइड आइटम्स खाते हैं, इसलिए इस पराठे पे मैंने डीप फ्राई नहीं किया इसको, और सिंपली थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको आगे पीछे से सेक लिया है। सारे पराठे इस तरह बनाने के बाद अब बारी आती है इनकी असेंबलिंग की। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे चिकन के पीसेस, उसके बाद हम लगाएंगे अनियन, आप कोई और वेजिटेबल जैसे कैबेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर आ जाती है हमारी स्पेशल चटनी। चटनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 चम्मच भी इनफ है क्योंकि हमारे रोल सॉगी हो जाएंगे। थोड़ी सी चटनी डालने के बाद हम बाकी चटनी रोल्स के साथ सर्व करेंगे ताकि रोल्स सॉगी ना हो और चटनी हम इसके साथ डिप करके खाएं। अब इनको रोल आउट करें और इन्जॉय करें। ट्राई दिस रेसिपी एंड डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।